हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सीखेंगे यदि किसी इक्वेशन के जो है रूट को हमें जो है कम करना हो किसी नंबर से, किसी एच कांस्टेंट नंबर से कम करना हो, एच से कम करना हो तो कैसे करेंगे, वैसे इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे जिसका रूट जो है दिए हुए इक्वेशन के रूट से एच कम हो, यानी कांस्टेंट नंबर से कम हो। यानी फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इस इक्वेशन का जो 3 है 4 है 5 है 6 है, ठीक है, तो हमें एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट जो है 3 कम हो इस दिए हुए रूट से। तो ये क्या होगा, 3 में से जाएगा 3 तो 0 बचेगा आपका, 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, 5 में से 3 2 और 6 में से 3 जाएगा तो 3। तो ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसका रूट जो है 0 1 2 3 हो, ठीक है। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये इसका रूट नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिया है कि ऐसा क्या आपको क्वेश्चन में निकालना है, आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको पहले जो है मान लेने हैं कि इसका मान लीजिए एच जो है रूट है, ठीक है, इसका रूट जो है एच है, तो हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट जो है 3 कम हो, तो -3 कर देंगे, ठीक है, 3 माइनस कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देना, आपको एच इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब एच इक्वल टू 3 को यूज़ करना है सिंथेटिक डिवीजन में, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करने वाले, तो 3 हम लिख देंगे, सिंथेटिक डिवीजन का फॉर्मेट लिख लेंगे, ऐसे लिखते हैं साइड में जो आपका एच होता है, और उसके बाद जो फ्रेंड्स जो कोएफिशिएंट होता है इस इक्वेशन का उसको लिखते हैं दिए इक्वेशन का, तो 1 है इसका, ठीक है, 1 है, दूसरे का भी 1 है, ठीक है, इसका -3 है, इसका -1 है, और इसका फ्रेंड्स 2 है, ठीक है, +2 है, तो ये हम लिख लिया। उसके बाद इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे, अब देखिए यूज़ करते हैं, तो जो पहला वाला होता है उसको एज इट इज लिखते हैं, इसलिए डैश लिख रहे हैं, 1 का 1 मैंने लिख दिया। अब जो नीचे वाला है उसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 3 1 सा 3 होता है, जोड़ देंगे इसको, 3 1 4 हो गया, 6 3 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 27 में से 1 जाएगा 26 हो जाएगा, 26 3 कितना होता है 78 हो जाएगा, 78 2 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे, देखिए, फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद डैश का साइन देंगे क्योंकि एच डी लिखने वाले हैं, 1, उसके बाद 1 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 लिखे 21 हो जाएगा, 21 9 कितना फ्रेंड्स, 21 है, ठीक है, तो ये हो गया 7 लिखे 21 और 21 9 कितना होता है 30 होता है, और 30 और 3 कितना होता है 90 होता है, ठीक है, 19 हो गया। अभी 90 और 26 हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 116। फिर यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे राइट साइड में जो बचेगा उसके पास लाइन खींचते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक और ऐसे लाइन खींच देंगे, उसके बाद डैश 1 1 हो गया आपका, उसके बाद 1 3 जा 3 हो गया, उसके बाद 4 7 3 10 हो गया, और 10 3 आपका हो गया 30, तो 30 2 60 हो गया। फिर यहाँ पे लाइन खींच देंगे लास्ट में, डैश का साइन देंगे, उसके बाद 1 आएगा, 1 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 3 लाएंगे यहाँ पे, और 10 3 आ जाएगा हमारा, फिर 10 3 13 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे हो गया, फिर डैश का साइन देंगे, फिर 1 का 1 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका पहला टर्म, ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक है, इसको A1 बोलेंगे, A0 है ये, A1 A2 A3 और दिस इज A4, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ये टर्म आ गया, ये कोएफिशिएंट टर्म है जो आपका ये आया ना, कोएफिशिएंट टर्म है उस इक्वेशन का जिसका रूट जो है 3 कम है, तो एक कोएफिशिएंट टर्म हो गया। अब फॉर्मेट हमारा देखिए, फॉर्मेट तो ऑलरेडी देखिए दिया हुआ है, पावर 4 है, तो पावर 4 वाला है ये, तो पावर 4 में देख सकते हैं कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 5 टर्म है। तब देखिए लिख लेते हैं इसको, तो इसका फॉर्मेट a0 x^4 प्लस a1 x^3 प्लस a2 x^2 हो गया ये आपका, प्लस a3 x हो गया, और प्लस a4 = 0, ठीक है। अब जो जो आपका वैल्यू यहाँ पे दिया हो उसको रखते जाएंगे कोएफिशिएंट में, तो ये देखिए इसमें जो है आपका 1 दिया है तो x^4 ही हो जाएगा, और a1 आपका 13 दिया है तो 13 x³ हो जाएगा, और प्लस उसके बाद फ्रेंड्स a2 आपका 16 दिया है तो 16 हो जाएगा x², उसके बाद a3 आपका फ्रेंड्स यहाँ पे 116 दिया है तो x हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका a4 जो कि 80 दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, = 0। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर आ गया, यही वो इक्वेशन है जिसके रूट जो है 3 कम है इस इक्वेशन के रूट से, ठीक है, इस इक्वेशन का जो रूट आएगा तो इसका जो है 3 कम निकलेगा, ठीक है, ये 3 कम वाला है। तो ये फ्रेंड्स आंसर है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए डिमिनिश वाला, तो सिंपली आपको ऐसे ही करना, जो दिया रहेगा जितना नंबर से बोलेगा उतना आपको माइनस कर देना, इक्वल टू 0 रखना, और यह वैल्यू निकालना, जैसे वैल्यू निकलेगा सिंपली डिवीजन करो, लास्ट और टर्म को याद रखेगा आपको जो राइट साइड में
यहाँ पे लाइन खींचते रहना जिससे टर्म मिलता रहेगा लास्ट वाला, ठीक है, और लास्ट में जो बचेगा ऐसे लिख दो डायरेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स।